गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, विवेकानंद क्लासेज नीम कथाना में आपका स्वागत है। पिछले वीडियो में हमने पढ़ा था कि भोजन का अंतर्ग्रहण और उसके बाद में भोजन का पाचन। तो देखिए, भोजन के पाचन में सबसे पहले हमने पढ़ा था मुख गोयिका। क्या पढ़ा था हमने? मुख गोयिका पहला बिंदु था यहाँ पर, बकल कैविटी या मुख गोयिका में पाचन किस प्रकार से होता है। तो मुख गोयिका में देखिए, भोजन को मुख से मुख गोयिका में लाया जाता है। इसके बाद में इस मुख गोयिका में लार प्लस दांत, यानी दांतों की सहायता से भोजन को छोटे टुकड़ों में तोड़ा जाता है। साथ में ही लार के द्वारा, लार ग्रंथियों के द्वारा लार विस्तारित की जाती है। जब लार भोजन में मिलती है और भोजन के छोटे टुकड़े दोनों मिलकर एक लुगदी बनाते हैं। क्या बनाते हैं? एक लुगदी बनाते हैं, जिसे बोलस या निवाला कहते हैं। क्या बोलते हैं इसको? बोलस या निवाला, बोलस या निवाला कहते हैं। इसके बाद में मुख गोयिका में स्टार्च का पाचन होता है, आंशिक पाचन। यहां पर जो एंजाइम होता है आपके सामने वो टाइलिन होता है, यानी जो आपके सामने लार में जो टाइलिन एंजाइम पाया जाता है, जिसको हम अल्फा एमाइलेज भी बोलते हैं, अल्फा एमाइलेज। स्टार्च जो हमारे सामने पॉलीसेक्राइड है, स्टार्च का जब जलावर्टन होता है तो स्टार्च माल्टोज में और डेक्सट्रिन में बदल जाता है। किसमें बदल जाता है? अल्फा डेक्सट्रिन में बदल जाता है, यानी स्टार्च या पॉलीसेक्राइड जो होता है कार्बोहाइड्रेट, अल्फा एमाइलेज या टाइलिन की उपस्थिति में इसका पाचन होता है और जिससे माल्टोज और अल्फा डेक्सट्रिन बनती है। माल्टोज एक डाइसेक्राइड होता है। इसके बाद में अल्फा जो डेक्सट्रिन है, इसके अंदर 3 से 9 ग्लूकोज के अणु पाए जाते हैं, 3 से 9 ग्लूकोज के अणु पाए जाते हैं। तो ये मुख गोयिका में पाचन होता है। मुख गोयिका में जो भोजन होता है उसे निवाला या बोलस कहते हैं। इसके बाद में दूसरा बिंदु आता है अमाशय में पाचन। दूसरा बिंदु कौन सा आता है? अमाशय में पाचन आता है। तो अमाशय में जो पाचन होता है आपके सामने, अमाशय में जठर रस स्त्रावित किया जाता है। साथ में जठर रस में हाइड्रोक्लोरिक अम्ल पाया जाता है। हाइड्रोक्लोरिक अम्ल यहां पर आपके सामने क्या करता है कि भोजन को पाचन करने में सहायक होता है। अमाशय में कर्मापुंचन गति पाई जाती है। कौन सी गति पाई जाती है? कर्मापुंचन गति पाई जाती है, कर्मापुंचन गति पाई जाती है, जिसके द्वारा भोजन को मथा जाता है। क्या किया जाता है? भोजन को मथा जाता है। इसके साथ मथने के बाद में भोजन आगे खिसक सकता है और भोजन अमाशय में 3-4 घंटे तक यहाँ रुकता है, या पाचन में 3-4 घंटे लगते हैं। अमाशय में प्रोटीन का आंशिक पाचन होता है। इसके बाद में देखिए, अमाशय में होने वाले पदार्थों का पाचन इस प्रकार से होता है। जठर रस से हाइड्रोक्लोरिक अम्ल स्त्रावित होता है। हाइड्रोक्लोरिक अम्ल पेप्सिनोजन जो निष्क्रिय अवस्था में होता है, पेप्सिनोजन का जलावर्टन करता है, जिसके द्वारा पेप्सिन बनता है। क्या बनेगा यहाँ पर? पेप्सिन बनेगा। इसके बाद में प्रोटीन का पाचन पेप्सिन और हाइड्रोक्लोरिक अम्ल करेगा, तो प्रोटीन किस में बदल जाएगी? प्रोटीओज पेप्टोन पॉलीपेप्टाइड में बदल जाती है, यानी प्रोटीन प्रोटीओज पेप्टोन और पॉलीपेप्टाइड में बदल जाती है। इसके बाद में जो दूध का जो विशेष एंजाइम होता है, उसे दूध में पाई जाने वाले विशेष एंजाइम को हम पेप्सिन कहते हैं। क्या बोलते हैं उसको? हमें पेप्सिन कहते हैं। पेप्सिन जो एंजाइम होता है वो दूध का पाचन करता है। इसके साथ दूध को स्कंदित करने वाला एंजाइम कौन सा है? रेनिन। यानी दूध को स्कंदित करने वाला एंजाइम रेनिन नहीं पाया जाता है। क्या नहीं पाया जाता है? दूध को स्कंदित करने वाला एंजाइम रेनिन नहीं पाया जाता है, यानी दूध में रेनिन का अभाव होता है। उसके बाद में दुग्ध वसा जो होती है आपके सामने, वहां पर लाइपेज एंजाइम कार्य करता है। लाइपेज एंजाइम दुग्ध वसा को वसीय अम्ल और
लाइपेज पॉलीपेप्टाइड एसिड वेसिअमल और ग्लिसरॉल में बदल देती है। इस प्रकार अमाशय में हाइड्रोक्लोरिक अम्ल स्त्रावित होता है, फिर भी ये मतलब अमाशय की दीवार को हानि क्यों नहीं पहुंचाता है, तो इसका मुख्य कारण क्या होता है कि अमाशय की जो दीवार होती है वहां पर सलेश्मा पाया जाता है, वो सलेश्मा से बनी होती है। सलेश्मा से बने होने के कारण अमाशय की जो दीवार हो वो मोटो होती है, यानी सॉरी मोटी होती है। मोटी होने के कारण कोई भी जो हाइड्रोक्लोरिक अम्ल है वो अमाशय की दीवार को भेद नहीं पाता है, तो इसका मुख्य कारण है कि अमाशय की जो दीवार है वो मोटी होती है। इसके बाद में दूसरा आता है छोटी आंत में पाचन, छोटी आंत में पाचन। तो देखिए आपके सामने जो अब भोजन यहां पर क्या था, आपके सामने काइम था, अमाशय में भोजन क्या हो गया, क्या कहलाएगा, काइम। काइम जो भोजन होता है वो सीधा छोटी आंत में या शुद्धांत्र में आता है। छोटी आंत में आपके सामने सबसे अधिक पाचन व अवशोषण होता है, सबसे अधिक पाचन वे अवशोषण छोटी आंत में होता है। छोटी आंत में अग्नाशय रस पाए जाते हैं, अग्नाशय रस भी पाचन क्रिया में सहायक होते हैं। यहाँ पर क्या होता है, इसमें जो वसा है वो पित्त की उपस्थिति में पाचीकरण करती है, जिससे वसा एक तो वस्यमल में बदल जाती है और दूसरा मोनो ग्लिसरॉल में बदल जाती है। इसके बाद में यहाँ पर क्या होता है कि जो एंट्रोसाइट है, एंट्रोसाइट यानी आंत्र से स्रावित कोशिकाओं को एंट्रोसाइट बोलते हैं, एंट्रोसाइट कोशिकाएं। एंट्रोसाइट कोशिकाओं से एक विशेष हार्मोन स्रावित होता है जिसको हम क्या बोलते हैं, एंट्रोकाइनेज। क्या बोलते हैं इसको, एंट्रोकाइनेज। एंट्रोकाइनेज एंजाइम जो निष्क्रिय ट्रिप्सिन नोजल होता है इसका जल अपघटन कर देता है, जिसके कारण ट्रिप्सिन नोजल किसमें बदल जाता है, सक्रिय ट्रिप्सिन में बदल जाता है। किसमें बदल जाता है, सक्रिय ट्रिप्सिन में बदल जाता है। इसके बाद में अगले चरण में जो काइमोट्रिप्सिन नोजल है और प्रोकार्बोक्सीपेप्टिडेज है और प्रोइलेस्टेज जो तत्व होते हैं इनका पाचन ट्रिप्सिन और आपके सामने मतलब ट्रिप्सिन एंजाइम के द्वारा होता है, जिसके द्वारा ये जो पूर्व काइमोट्रिप्सिनोजन है ये काइमोट्रिप्सिन में बदल जाता है, जो प्रोकार्बोक्सीपेप्टिडेज है ये कार्बोक्सीपेप्टिडेज में बदल जाता है, और जो प्रोइलेस्टेज तत्व है ये प्रोइलेस्टेज में बदल जाते हैं। इसके बाद में जो ट्रिप्सिन एंजाइम होता है वो आगे क्रिया करता है, जिसके कारण प्रोटीओज, पेप्टोन और पॉलीपेप्टाइड यानी तीनों का जल अवघटन करता है, जिससे छोटे पॉलीपेप्टाइड मतलब पॉलीपेप्टाइड छोटे पॉलीपेप्टाइड बनते हैं। इसके अलावा ट्राइपेप्टाइड और डाइपेप्टाइड बनते हैं। इसके बाद में अगले चरण में क्या होता है कि छोटे पॉलीपेप्टाइड होते हैं इनका डाइपेप्टिडेज एंजाइम की उपस्थिति में जल अवघटन होता है, जिसके कारण ये डाइपेप्टाइड और एमिनो अम्ल में बदल जाते हैं। किस में बदल जाते हैं, डाइपेप्टाइड और एमिनो अम्ल में बदल जाते हैं। इसके बाद में इससे पहले जैसे मान लीजिए आपके सामने प्रोटीओज, पेप्टोन, पॉलीपेप्टाइड है, ये ट्रिप्सिन की उपस्थिति में छोटे पॉलीपेप्टाइड, ट्राइपेप्टाइड और डाइपेप्टाइड में बदल जाते हैं। इसके बाद में छोटे पॉलीपेप्टाइड डाइपेप्टिडेज की उपस्थिति में एमिनो अम्ल और डाइपेप्टाइड में बदल जाते हैं। जो अंतिम चरण में यहाँ पर देखते हैं कि आपके सामने यानी आंत्रीय रश्म की जो एंट्रोसाइट कोशिकाएं होती है वहां पर अनेक प्रकार की और क्रियाएं होती हैं, जो इस प्रकार से हैं, यानी इसके अंदर जो कार्बोहाइड्रेट पाई जाती है उनके एंजाइम कुछ एंजाइम होते हैं उनकी उपस्थिति में उनका पाचन होता है और उनसे नए उत्पाद बनते हैं। जैसे आपके सामने पहला जो उत्पाद है वो है आपके सामने सुक्रोज। सुक्रोज का पाचन सुक्रेज एंजाइम की उपस्थिति में होगा, कौन से एंजाइम की उपस्थिति में होगा, सुक्रेज एंजाइम की उपस्थिति में। पीएच यहाँ पर 8 से 5 होगा। सुक्रोज जो आपके सामने है वो एक तो ग्लूकोज में बदल जाएगा, ग्लूकोज में प्लस, दूसरा फैक्ट्रोज में बदल जाएगा, दूसरा किसमें बदल जाएगा, फैक्ट्रोज में
बदल जाएगा आपके सामने, यानी जो सुक्रोज है वो सुक्रेज एंजाइम की उपस्थिति में ग्लूकोज और फ्रुक्टोज में बदल जाता है जी और एफ, यहां पर है एस। तो यहां पर सूत्र हो गया एस जी एफ, यानी सुक्रोज किसमें चेंज हो गया, ग्लूकोज प्लस फ्रुक्टोज में चेंज हो गया। पीएच कॉमन रहेगा 8.5। इसके बाद में जो दूसरे है आपके सामने यहां पर, उसका नाम है आपके सामने जैसे माल्टोज। दूसरा कौन सा है, माल्टोज है, तो माल्टोज पर यहां पर कौन सा एंजाइम कार्य करेगा आपके सामने, माल्टेज एंजाइम कार्य करेगा। कौन सा एंजाइम कार्य करेगा, माल्टेज। पीएच कॉमन रहेगा 8.5 जैसे ऊपर है। माल्टोज किसे बदल जाता है, दो ग्लूकोज के अणु में बदल जाता है। कितने अणु में बदल जाता है, दो ग्लूकोज के अणु में बदल जाता है। इसके बाद में आता है लैक्टोज, जो दूध में पाया जाता है लैक्टोज। लैक्टोज का जो पाचन होगा वो लैक्टेज एंजाइम की उपस्थिति में होता है, लैक्टेज एंजाइम की उपस्थिति में होता है। पीएच कॉमन रहेगा 8.5। सारी बातें हैं, लैक्टोज एंजाइम लैक्टेज की उपस्थिति में पाचन होने के बाद में एक तो बनता है ग्लूकोज प्लस एक बनता है गैलेक्टोज। क्या बनता है, एक गैलेक्टोज। इसके बाद में अल्फा सीमित डेक्सट्रिन होती है, जो ये डेक्सट्रिन आपके सामने एंजाइमी रहेगा, डेक्सट्रिनेज यानी ट्रिनेज एंजाइम की उपस्थिति में ये किसमें बदल जाती है, तो आपके सामने इसमें ग्लूकोज में बदल जाती है। किसमें बदल जाती है, ग्लूकोज में बदल जाती है। जैसे हमने मुखबुइका में देखा था कि मुखबुइका के अंदर स्टार्च का जो पाचन किसमें हो रहा है, माल्टोज में हो रहा था। माल्टोज के अलावा इसमें क्या बन रहा था, अल्फा सीमित डेक्सट्रिन भी बन रही थी। अल्फा डेक्सट्रिन में ग्लूकोज के कितने अणु होते हैं, तो हमने पढ़ा था 3 से 2 अणु होते हैं। कितने अणु होते हैं, 3 से 9। तो यहां आप देखिए सुक्रोज का पाचन सुक्रेज के द्वारा होगा, ग्लूकोज और फ्रुक्टोज बनेगा। माल्टोज का जो जलावर्टन है माल्टेज की उपस्थिति में होगा, ग्लूकोज दो ग्लूकोज के अणु बनेंगे। लैक्टोज का पाचन लैक्टेज की उपस्थिति में होगा, जिसके कारण ग्लूकोज और गैलेक्टोज का निर्माण होगा। अल्फा सीमित डेक्सट्रिन का जो पाचन है वो डेक्सट्रिन एंजाइम की उपस्थिति में होगा, डेक्सट्रिनेज एंजाइम की उपस्थिति में, जहां पर ग्लूकोज बनेगा। इसके बाद में क्या होता है, अंतिम चरण में जो आपके सामने पायसी तत्व वसा है वो लाइपेज एंजाइम की उपस्थिति में क्षारीय मतलब माध्यम यहाँ पर केवल उदासीन हो सकता है, क्योंकि पीएच 7 है। तो पायसी तत्व वसा का जो पाचन है जटिल लाइपेज के द्वारा होता है, जिसे वसामल और 2-मोनोग्लिसराइड बनते हैं। इसके साथ ही छोटी आंत में पायसीकरण की क्रिया होती है। कौन सी क्रिया होती है, पायसीकरण की क्रिया। तो देखिए पायसीकरण की क्रिया क्या है, पायसीकरण। तो पायसीकरण में क्या होता है कि वसा की कुछ बड़ी गोलिकाएं होती हैं, जब पृष्ठ तनाव कम हो जाता है तो वसा की बड़ी गोलिकाएं छोटी गोलिकाओं में टूट जाती हैं। तो इस क्रिया को हम पायसीकरण कहते हैं। क्या बोलते हैं, इस क्रिया को हम पायसीकरण कहते हैं, क्योंकि जो वसा की बड़ी गोलिकाएं हैं जैसे ही पृष्ठ तनाव कम होता है तो वो टूट जाती हैं और वो छोटे वसा गोलिकाओं में बदल जाती है। इस क्रिया को हम पायसीकरण कहते हैं। इसलिए वसा का यहाँ पर जो महत्वपूर्ण है वो पायसीकरण क्रिया में भी होता है। इसके बाद में देखो, हम इस प्रकार से जो पाचन है वो मुखबुइका में, अमाशय में और छोटी आंत में होता है। छोटी आंत में पाचन सबसे अधिक होता है। इसके बाद में पाचन के बाद में जो अपना टॉपिक आता है उसका नाम है अवशोषण, यानी अगला जो पद आएगा अपना वो आएगा अवशोषण। पहला था अंतर्ग्रहण, दूसरा था पाचन, तीसरा है अवशोषण यानी एब्जॉर्बेशन। तो देखिए आपके सामने पाचित जो पदार्थ हैं, पाचित जो भोज्य पदार्थ हैं, जैसे खनिज लवण, है खाद्य पदार्थ है, प्रोटीन है,
इनका जो अवशोषण होता है आपके सामने पाचक भोज्य पदार्थों का अवशोषण है वो कोशिकाओं के द्वारा पचित भोज्य पदार्थों का कोशिकाओं के द्वारा अवशोषण अवशोषित होना क्या कहलाता है अवशोषण कहलाता है। यानी पाचित भोज्य पदार्थों जैसे आपके सामने खनिज लवण हो सकते हैं, खाद्य पदार्थ हो सकते हैं, प्रोटीन हो सकती है, विटामिन हो सकती है, इन सबका जो अवशोषण कोशिकाओं के द्वारा होता है उसे हम अवशोषण कहते हैं। अवशोषण अलग अलग पदार्थों का अलग अलग भाग में होता है। जैसे आपके सामने हमने पढ़ा है कि जैसे अल्कोहल, क्या नाम है, अल्कोहल है, दूसरा है औषधि, दूसरा क्या नाम है, औषधि है। तो इनका जो अवशोषण होता है वो प्राय अमाशय में होता है। इसमें होता है अमाशय में होता है, यानी अल्कोहल और औषधि का अवशोषण कहां पर होता है, अमाशय में होता है। इसके बाद में जैसे मान लीजिए आपके सामने जल है और जल अपघट्य है, जल और जल अपघट्य प्लस विटामिन हो सकती है, इनका जो अवशोषण होता है वो बड़ी आंत में होता है, वेदांत्र में होता है, वेदांत्र या बड़ी आंत में होता है। जो अवशोषण की क्रिया होती है आपके सामने वो दो विधियों के द्वारा होती है। एक विधि को हम बोलते हैं सक्रिय अभिगमन, क्या बोलेंगे इसको, सक्रिय अभिगमन, और दूसरी जो विधि है आपके सामने उसको बोलते हैं मिश्रण। कौन सी बोलेंगे, विसरण। यानी दो विधियों के द्वारा अवशोषण की क्रिया कंप्लीट होती है। पहली विधि है सक्रिय अभिगमन है, दूसरा है आपके सामने विसरण या डिफ्यूजन। तो सक्रिय अभिगमन जो आपके सामने है इसमें प्रोटीन है, इनका जो अभिगमन या अवशोषण होता है वो सक्रिय अभिगमन के द्वारा होता है। इसके बाद में जो विभिन्न गैस है या लवण है उनका जो अवशोषण होता है वो विसरण के द्वारा होता है। इसके बाद में अवशोषण के लिए यहाँ पर आपके सामने तीन संरचनाएं महत्वपूर्ण होती हैं। पहला है वलन, दूसरा है रंगसांकुर और तीसरा है सूक्ष्मांकुर। तीसरा कौन सा है, सूक्ष्मांकुर, यानी फोल्ड, विलाई, माइक्रोविलाई, ये तीनों जो मिल जाते हैं तो भोजन के अवशोषण सतह, यानी भोजन की जो अवशोषण सतह है, अवशोषण सतह के तल को या अवशोषण की दर को या अवशोषण सतह के तल के क्षेत्रफल को लगभग कई गुना बढ़ा देता है, यानी 100 गुना बढ़ा देता है, जिससे भोजन का अवशोषण आसानी से हो जाता है। इसके बाद में देखिए आपके सामने जो पित्त होते हैं वो एक विशेष प्रकार की संरचना का निर्माण करते हैं, यानी जो वलन है वो पित्त के साथ मिलकर एक विशेष संरचना का निर्माण करते हैं जिसे मिसेल कहते हैं। क्या बोलते हैं, मिसेल कहते हैं। मिसेल जो होती है वो काई में विलय होती है, किसमें विलय होती है, काई भाग में विलय होती है। इस प्रकार अलग अलग पदार्थों का अलग अलग भागों में अवशोषण पूर्ण होता है। तो इस प्रकार से आज हमने पढ़ा है भोजन का पाचन कौन से अंगों में होता है, मुख गुहिका में होता है, छोटी आंत में होता है, अमाशय में होता है, और अवशोषण आपने पढ़ा है। अगला शेष पाठ अगले वीडियो में पढ़ेंगे।